back to the channel guys. I hope all of you people are doing absolutely fine and welcome back to the new and fresh vlog. उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और सबका बढ़िया जा रहा होगा अपने अपनी जगहों पर। तो जी जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा, हम पैराग्लाइडिंग करने के लिए गए थे और जेट स्कीइंग करने के लिए गए थे और बहुत ही मज़ा आया। एंड एक दिन मैं व्लॉग नहीं डाल पाया बिकॉज मैं थोड़ा अपने ही काम में बिजी था एंड इसीलिए सॉरी फॉर दैट। सो जी दोस्तों, अभी क्या सीन है मैं बताता हूँ। अभी टाइम हो रहा है जी, टाइम हो रहा है जी 1:54 रात की AM। जी हाँ, मानो आज है 13 जुलाई और मैं इतना लेट क्यों कर रहा हूँ व्लॉग शूट, बिकॉज हमारा जो सारा पैकिंग का सामान है वो हमने डन कर दिया है। मैंने एक्स्ट्रा लगेज लाया था क्योंकि कुछ चीज़ें वगैरह लाई थी, क्योंकि वो उसमें तो पहुंचती नहीं, इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा लगेज लाया। गिफ्ट्स वगैरह सभी दोस्तों यारों के लिए, फैमिली फ्रेंड्स के लिए सब कुछ इसी में है, तो वगैरह वगैरह। एंड मैंने इसे अभी पैक कर लिया क्योंकि हमें कल सुबह यहाँ से 13 को चेकआउट करना है सुबह 12 बजे तक। और जी दोस्तों, हम जाने वाले हैं बैंकॉक, जहाँ पर मैंने जिस होटल में मैंने रिजर्वेशन सेट की थी उधर पर ही वापस। तो कल टैक्सी में आराम से 3 घंटे का सफ़र काटना है और अभी फ़िलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ जी डिनर करने। डिनर बोल लो, ब्रेकफास्ट बोल लो या नाइट मील बोल लो, मुझे नहीं पता क्योंकि अभी टाइम जो है वो रात का है 1:55। एक्चुअली जो ये पटाया है, जो थाईलैंड है, इट्स नोन फॉर इट्स नाइट लाइफ्स, क्योंकि यहाँ पर आपको अगर रात देखनी होगी तो आपको बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना पड़ेगा कि हाँ ऊपर अंधेरा है, क्योंकि यहाँ पर इतना एनलाइटमेंट माहौल होता है ना कि आपको अंधेरा ही नहीं दिखेगा किसी जगह। हर कोई दुकान खुली होती है, नाइट शिफ्ट्स होते हैं हर किसी दुकान में, यहाँ तक कि क्या छोटी सी छोटी दुकान में भी मतलब कि बंद नहीं होती है कभी। दैट्स वाई तो कल मैं 3 बजे चला गया था खाने के लिए नाइट मील। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं चलता हूँ क्योंकि मैंने सोचा अभी मैं व्लॉग शुरू करता हूँ फिर सुबह झंझट हो जाएगी एंड सामान वगैरह भी पैक कर लिया, अभी सुबह सिर्फ निकलना है। अभी फ़िलहाल के लिए हम चलते हैं एंड कुछ बढ़िया सा खाते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। तो यही है प्लान, लेट्स गो। जी दोस्तों, कल इस प्यारी सी सिटी पटाया को हमें बाय बाय कहना होगा, बहुत ही याद आएगी पटाया की। तो क्या ही कह सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो हमारे जो मेमोरीज़ हैं वो हमने रिकॉर्ड कर ली है। एंड बाय द वे मैं बताते चलूँ, व्लॉगिंग जो है वो मैं मतलब कि ये नहीं कर रहा हूँ कि मुझे इसे पैसे आएंगे वगैरह वगैरह, नहीं भाई, इट्स ऑल फॉर माई मेमोरीज़। ये चैनल मोनेटाइज होती है ना होती है, मैं कभी देखता भी नहीं इसका मोनेटाइजेशन वगैरह, होती है नहीं होती है आई डोंट केयर, सिर्फ मेरी मेमोरीज़ के लिए है बस, क्योंकि ट्रैवल्स बहुत करने हैं, मेमोरीज़ रहेंगी वो सेव करने के लिए मैं व्लॉगिंग करता हूँ, शौक ही बोलूँगा यही, मेमोरी सेव करने के लिए, वरना कुछ भी नहीं, इसीलिए मैं व्लॉगिंग करता हूँ और मेरे को बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा। मेरे को क्या वीडियो बनाना और डाल देना, एडिट वगैरह का झंझट भी नहीं है, तो यही लेट्स गो। ये आ गई हमारी लिफ्ट भी, अरे आ जाना भाई, अरे यार मैंने बटन ही नहीं दबाया है, खैर और टाइम ज़ाया। दोस्तों वापस आना पड़ा क्योंकि बाहर हो रही है ख़तरनाक तरीके से बारिश, और अम्ब्रेला मैंने साथ रखा है, मैंने अम्ब्रेला यहीं पर ख़रीदा और प्लस मैं अपना वॉलेट ही भूल गया था भाई, उठा लिया जी अपना वॉलेट भी और चलते हैं फिर से। बारिश क्या हो रही है भाई, देखो अभी टाइम हो रहा है जी 2 बज रहे हैं रात के, और देखो क्लीननेस का क्या ध्यान रखा जा रहा है, प्लास्टिक्स वगैरह उन सब को अलग अलग किया जा रहा है, बहुत ही डिसिप्लिन कंट्री है यार ये। और नज़ारे देखो अब रात के, ये रहा बीच रोड और ये रहे कोकोनट ट्रीज, आए हाय यार क्या लग रही है सड़क, कहीं से अंधेरा दिखाई दे रहा है आपको, वो तो बीच रहा वहाँ से तो होगा ही यार, वाह भाई वाह क्या नज़ारे हैं। तो गाइस आप सब में से बहुत इसे तो पहचानते होंगे जो कि भेजते रहते हैं इंस्टाग्राम पे मैसेज में स्टिग्मा इमोजी, असली में देख लो, अच्छे से देख लो, मैं अच्छे से दिखाता हूँ, ये रहा जी आपका स्टिग्मा। बहुत ही बढ़िया सजाया गया है यहाँ पर, पहुँच गए हम मैकड़ी, देखो सभी कैसे चिल कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, ये रहा जी मैकड़ी, चढ़ते हैं अब अंदर। स्टार्ट ऑर्डर
ये रही जी हमारे कुछ फ्राइज, और ये रही जी हमारी प्यारी प्यारी कोक एकदम चिल्ड आइस क्यूब्स डाल के, और ये रही जी हमारी चॉकलेट संडे, और ये रहा हमारा बीफ बर्गर बिल्कुल मस्त। और करते हैं सबको जल्दी से फिनिश। A few inches later, दोस्तों सब कुछ खा पी के एकदम पेट फुल हो गया और बारिश भी रुक गई, छाते का कोई काम नहीं। तो अभी फिलहाल के लिए मुझे लगता है इन्हीं पटाया की गलियों में हम करते हैं इस शॉट को यहीं पर एंड मिलते हैं आपको सुबह नेक्स्ट वाले शॉट में। अभी मैं जाऊंगा डायरेक्ट यहां से सोने के लिए, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 3:30, 3:30 रात के, 3:30 चल रहा हूं मैं पटाया से। बहुत ही आम बात है कश्मीर में, ये आम बात नहीं है 3:30 तो ऐसे चलेगा नहीं। तो या अभी सो जाता हूँ मैं और मिलता हूँ मैं आपसे अब नुबा सुबह अगले किसी फ्रेम में, नेक्स्ट फ्रेम में, सॉरी। टिल देन बाय बाय। द नेक्स्ट मॉर्निंग, सो गाइस इट्स द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो अभी फिलहाल के लिए फ्रेश वगैरह तो मैं हो गया हूँ, सब कुछ एकदम सेट, फ्रेश वगैरह सब कुछ ऑल डन ऑल ओके है। तो अभी फिलहाल के लिए सामान वगैरह तो मैंने कल रात को ही पैक कर दिया था, एंड अभी बज रहे हैं यहाँ के 11:15 यही कुछ। और अभी मैंने अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो पहले मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, वहाँ से आते हैं और फिर चेकआउट करते हैं। सो अभी मसला है कि क्या खाया है, अब थोड़ा जल्दी है तो अभी मजबूरन में ही जाना पड़ेगा टर्मिनल 21, वहीं पर कुछ खाएंगे, तो देखते हैं क्या कुछ खाते हैं। लेट्स गो गाइस, पहुंच गए हम टर्मिनल 21 मॉल, अभी KFC चलते हैं और कोई ऑप्शन ही नहीं है। खैर लेट्स गो। ये लो जी पहुंच गए हम KFC, अभी करते हैं ऑर्डर। ये लो जी आ गया हमारा ऑर्डर भी। तो गाइस करते हैं सबको जल्दी से फिनिश, एंड मिलते हैं आपको इसको फिनिश करने के बाद। A few minutes later. तो गाइस हो गया हमारा खाना शाना भी, अभी चलते हैं वापस होटल और कैब करते हैं बुक। कैब बुक करने के बाद लगेज वगैरह डालते हैं नीचे और चलते हैं। लेट्स से फाइनल गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल रूम। बहुत 5-6 दिन का स्टे रहा हमें मेरा यहाँ पर, एंड बहुत ही मज़ा आया एकदम लाजवाब। तो अभी फाइनल गुड बाय कहते हैं उसको, एंड हाँ बाय द वे वो ट्राइपॉड वो बकवास था यार, वो टूट गया बकवास नहीं टूट गया, तो उसको मैं वही छोड़ देता हूँ अब, एंड इसको करेंगे हम रूम को बंद, अवर रूम नंबर 505। और ये रहा हमारा सामान, कैब मैंने ऑलरेडी बुक कर दी है, वो आ रही होगी 1-2 मिनट में आ जाएगी। तो तक हम सामान ले चलते हैं एंड चलते हैं अपने बैंकॉक की तरफ, 3 घंटे लगेंगे वहाँ तक, और चलते हैं हमारे पुराने होटल में अपना एकल ड्रीम। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गो। ये आ गई हमारी गाड़ी एकदम प्रीमियम वाली। हेलो या लेट्स गो। तो ये लॉजिक कहीं बंद और चलते हैं। यहाँ पे गाड़ी में शेड्स रखना अलाउड है कंट्री में, कोई भी कुछ नहीं बोल सकता है। टू पिनाकल ड्रीम होटल हाईवे 181 या ओके नो प्रॉब्लम। तो बोल रहा है कुछ टैक्स वैक्स इंक्लूड करके 180 बाट प्लस देना पड़ेगा, कुछ पोल वोल का वगैरह वगैरह। सो लेट्स गो। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए। ये लो जी थैंक यू that put out that। oh, अरे भाई भाई thank you। hello how are you? I don't have room, but I'm home। what? no room। I have reservation। take it। I have reservation। Joking? No joke. Yeah. Passport. Again, passport? Just give me a minute. Let's go to the 8th floor. अरे भाई थक गए बहुत, और अभी रूम में चलते हैं और सामान वगैरह मैं ऐसे ही रखूँगा पैक करके,
और जो जो जरूरत होगा वही बाहर निकालेंगे, एंड मैं करने जा रहा हूँ उसके बाद बाई रेस्ट, और देखते हैं आगे क्या सीन रहता है। हमारा रूम नंबर बाय द वे 804 था पिछली बार, अभी 803 है, बहुत ही बड़ा रूम है बोला है। रिजर्वेशन ऑलरेडी बुक थी। ये आ गया जी हमारा फ्लोर 8, खुल गया सिम सिम, ये लो जी खुल गया। ऐसा पहला हमारा रूम 804 और अभी है 803। ये लो जी दिस इज आवर रूम। अरे भाई बहुत ही बढ़िया है यार, बड़ा भी है उससे, एसी, टीवी, जो बाकी एक्सेसरीज वो यहाँ पर, बस बाथरूम बड़ा है। एकदम मस्त मैं भी सामान पहुँचाते हैं अंदर और रेस्ट लेता हूँ मैं। इस शॉट को यहीं पर कट कर दूंगा एंड रेस्ट लेने के बाद देखेंगे कहाँ चलेंगे। और हाँ, और क्या कर सकते हैं, तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं आपको नेक्स्ट फ्रेम शॉट में। 2 hours later. तो गाइज अभी ये शूट हो रहा है पिछले फ्रेम के आई थिंक 3-4 घंटे के बाद, और बाहर के नज़ारे दिखाता हूँ पहले मैं आपको। एकदम ना रात हो गई है, ये देख लो जी रात हो गई है, रात अंधेरा हो गया है। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए फ्रेश वगैरह होता हूँ, मुंह वगैरह धोता हूँ और हम थोड़ा बाहर चलते हैं कुछ खाने के लिए, और देखते हैं कहीं चलेंगे भी, चक्कर वक्कर मारेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मुंह धो लेता हूँ एंड उसके बाद देखेंगे क्या सीन रहता है। सो या आ जाइए हमारी लिफ्ट वापस। ये लो जी आ गई हमारी लिफ्ट, खुल जा सम सम। चलिए सर जी ग्राउंड फ्लोर पर। लेकिन यार बाहर गर्मी है अभी, बाहर तो टेम्परेचर एकदम अच्छा है, अंदर एसी है इसीलिए सर्दी लग रही है मुझे, बाहर आ गया एकदम से कोल्ड टेम्परेचर से हॉट टेम्परेचर। अभी देखते हैं क्या करते हैं, भूख भी बहुत लगी है, पेट एकदम खाली है, लेट्स सी चलते हैं। देख लो जी अब पटाया के रात के नज़ारे, वाह मार्केट देख लो। मैं भाई मैं पटाया बोल रहा हूँ, हम बैंकॉक में, सॉरी बैंकॉक के रात के नज़ारे, मैं पटाया में ही हूँ अभी। तो क्या मार्केट, वहाँ से ट्रेन चलती है वहाँ से ऊपर से, और ये रही इनकी गलियाँ, पटाया की गलियाँ बहुत ही ब्यूटीफुल। अभी मेरे को लगता है मैं जाता हूँ एमबी के मॉल में, देखते हैं कुछ बेस्ट लगेगा खाने के लिए तो वही खाएंगे, और 2-3 चीज़ें भी देखनी है वहीं से, वो भी देख लेंगे। तो अभी कैब करते हैं बुक या स्कूटर एंड उसी पे चलते हैं, स्कूटर पे मज़ा है, स्कूटर करते हैं। या भाई अभी 2 मिनट हुए ही नहीं, हमारा पायलट आ गया पायलट बहुत ही फास्ट है कंट्री यार। अभी चलते हैं एमबी के मॉल, नज़ारे चेक करो पीछे से आप, बहुत ही बढ़िया। ये लो जी पहुंच गए हम एमबी के सेंटर, एमबी के मॉल कह लो या सेंटर। और अभी पहले सबसे पहले करते हैं हम अपने खाने का बंदोबस्त। गाइस चलते हैं हम अपने केएफसी में। गाइस हमने की ऑर्डर ये पेप्सी एंड विंग्स 2, क्योंकि मैंने सुना थोड़ा लाइट ही खाते इसलिए मैंने 2 ही मंगवाए, बहुत तीखा है और बहुत ही ज़बरदस्त है। करते हैं इसको फिनिश एंड देखते हैं फिर आगे क्या सीन रहता है। 1 eternity later. तो गाइस KFC वगैरह सब कुछ खा लिया और अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर, देखते हैं ऊपर क्या है। ऊपर ये वाला जो ये है ना सेक्शन, कौन सा फ्लोर है, 4th, ये डील करता है विद मोबाइल सिस्टम वगैरह सब कुछ, मोबाइल से लेकर A to Z लेकर यहाँ की शॉप ऐसे है। अंदर के ग्राउंड फ्लोर पर क्लॉथिंग, फ्लोर सेकंड पर कुछ और ये 4th फ्लोर ऐसे ही, ये सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स का है, चेक कर लो बहुत ही बढ़िया है, सब कुछ एक्सेसरीज यहाँ पर मिल जाती है। तो गाइस एमबी के मार्केट से बाहर आ चुके हैं एंड मैं दिखाने वाला हूँ आपको एमबी के, मतलब कि एमबी के मार्केट नहीं, बैंकॉक का नाइट मार्केट। तो जी देख लो गाइस ये रहा जी बैंकॉक का, बैंकॉक सिटी का नाइट मार्केट। ये जो आप छोटी छोटी हट्स देख रहे हो ये बिल्कुल वहाँ तक बहुत बड़ी लाइन है, और ये देखने को मिलेगा आपको बिल्कुल एमबी के मार्केट के निकलते हुए, जब आप बाहर निकलोगे वहीं पर आपको देखने को मिलेगा। और इनमें बहुत वैरायटी ऑफ थिंग्स है,
कपड़े से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स बैग सब कुछ आपको यहाँ पर अवेलेबल दिखेगा। और बहुत ही प्यारा मार्केट है ये, बहुत दूर तक फैला हुआ है और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। खैर हमने भी देख लिया, लेकिन शॉपिंग अगर करनी हो तो इससे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं बहुत ही अच्छे, जो कि आपको बहुत ही पसंद आएंगे। सो फिलहाल के लिए हम चलते हैं अपने रूम पे, क्योंकि टाइम हो रहा है अभी 1 बज रहे हैं रात के। तो चलते हैं अपने रूम पे, ड्राइवर को बुलाते हैं, ड्राइवर साहब को बुलाते हैं, अपने पायलट को स्कूटी या माय बाइक, और वो ले जाएगा हमें अपने होटल पिनाकल ड्रीम। एंड फिर क्या, फिर आराम कर लें। पिनाकल ड्रीम या व्हाट, या पिनाकल ड्रीम, लेट्स गो। भाई 1 मिनट में, बिल्कुल 1 मिनट में आपको देखने को मिलेगा क्या यहाँ की ड्राइविंग फैसिलिटी। और वो नहीं कि इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब गाड़ी आती है, कब हम चढ़ेंगे गाड़ी में, नहीं। एक क्लिक करो, लेस देन 1 मिनट आपके सामने ड्राइवर खड़ा होगा, लेस देन 1 मिनट। ज़्यादा से ज़्यादा अगर लिमिट रख लो 1.5 मिनट सिर्फ खड़ा बैठना है, ड्राइवर आगे। वाह यार वाह। खैर चलते हैं अभी रूम पे। पहुंच गए हम वापस अपनी स्ट्रीट पर, अपने होटल है हमारा वहाँ पर। तो मैंने ड्राइवर को बोला कि मेरे को पहले ही ड्रॉप कर दो, क्योंकि हम खाने के लिए कुछ ले लेंगे वहाँ से। ये रहा जी 7-Eleven, चलते हैं अंदर। खुल गया यार। इतने लाया वाटर, पेप्सी और कैश्यू नट्स, काजू और चॉकलेट, और कैपेचिनो लाई हमने पैक करके ही, कैपेचिनो कॉफ़ी और इस गर्म माउंटेन गर्म गर्म कॉफ़ी, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो चलते हैं अभी होटल पर और अपनी कॉफ़ी को एंजॉय करते हैं। सो गाइस वी आर बैक टू आवर होटल, एंड बहुत ही हेक्टिक डे था आज मेरे लिए, क्योंकि सफ़र करना पड़ा इसीलिए थोड़ा हेक्टिक बन गया। लेकिन अभी फ्रेश हो गए, ताज़ा बाहर, बहुत सारा इन्जॉय करा और बहुत सारी मस्ती भी करी लोगों के साथ। सो, अभी फ़िलहाल के लिए इस व्लॉग को मुझे लगता है यहीं पर एंड करते हैं, एंड इंशाल्लाह किसी अगले व्लॉग में मिलेंगे, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो। फ़िलहाल मैं ये करता हूँ अपनी कैपेचिनो एन्जॉय, एंड आप भी अल्लाह के हवाले बैठो, तब तक नेक्स्ट व्लॉग का वेट करो। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा किसी भी रीज़न से, लाइक शेयर सब्सक्राइब और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है। और किसी के लिए कुछ लाना है तो बोल देना, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मुफ्त नहीं लाऊंगा, पहले पैसे पकड़ूंगा मजाक कर रहा हूँ। किसी के लिए कुछ लाना होगा तो डू DM मी। सो तब तक के लिए बाय बाय, एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय गाइज़।